अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप सब। सो भाई सबसे पहले तो मेरी तरफ से रमज़ान का चांद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये एकदम ही हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया चांद। 10:30 बजे तक इन्होंने 10:30 बजे चांद दिखाया, उन्होंने 10 बजे तक पता नहीं था कि रोज़ा होगा आज का या नहीं। सो हो चुका है रोज़ा, मतलब आज ये पहली सहरी तो मैं रमज़ान में करने वाला हूँ डेली ब्लॉगिंग। सो अब आएंगे मेरे डेली व्लॉग, तो मैं रमज़ान में अपनी पूरी रूटीन दिखाऊंगा कि मैं रमज़ानों में क्या करता हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे सहरी, वो आप लोग दिखाते हैं कि मैं सहरी में क्या किया, फिर फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आप लोग अगले दिन स्टार्ट होगा हमारा। सो अब डेली व्लॉग आएंगे, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना। सो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सो भाई अभी हो चुका है सहरी का टाइम और सहरी भी बन चुकी है। सो अभी चलते हैं हम लोग सहरी करने। सहरी में हमारे पास है पराठा, चाय, दही, कीमा और मलाई अचार। सो भाई सहरी अभी मैंने कर ली है, अभी सहरी बंद होने में 15 से 20 मिनट है। सो अभी जब हम पानी यानी पियेंगे, अभी बस सहरी की है तो थोड़ी देर बाद पानी पीते और फिर सायरन होगा तो रोज़ा बंद करते। सहरी बंद होने में बस थोड़ी सी देर रह गई है, तब तक मैंने बोला कि दही खा लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि दही खाने से रोज़ा लगता नहीं है। सो दही खाते हैं, फिर ब्रश करते हैं और पानी पीते हैं, क्योंकि 5 मिनट से 7 मिनट रह गए होंगे रोज़ा बंद होने में, तो ये काम फटाफट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो सायरन बज गया, इसका मतलब अब सहरी का टाइम हो चुका है ख़त्म, तो रोज़े की नियत कर लेते हैं। रमज़ान सो सहरी हो चुकी है बंद, सो अब पढ़ेंगे फजर की नमाज़। सो अभी वज़ू करते हैं और चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। सो भाई वज़ू मैंने कर लिया है, सो अभी चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। सो भाई फजर की नमाज़ पढ़ के मैं आ चुका हूँ। सो टाइम हो गया था, जल्दी जल्दी मैं गया, मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ फजर की। सो अभी मैं सो रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 5:30, हाँ 5:25 पे नमाज थी, 6:45 हो गए। सो अभी मैं सो रहा हूँ, सो आप लोगों से मिलते हैं सुबह। The next day. सो भाई अभी मैं उठ चुका हूँ, जो सबसे पहले होते हैं फ्रेश और फिर पढ़ते हैं जोहर की नमाज, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कपड़े कौन से पहनूं? तो ये वाली शर्ट निकाल लेते हैं और पैंट निकाल लेते हैं। सो भाई लोग अभी मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। बाहर जाके नमाज भी पढ़ेंगे और इफ्तारी वगैरह भी लेंगे, तो चलते हैं आ जाओ बाहर। भाई फ्रूट चाट भी हमने ले लिए, तो अब चलते हैं हैदराबाद में बिरयानी लेने। सो भाई सब इफ्तारी वगैरह सब कुछ मैं लेके आ गया हूँ। सो अभी रह गए बस 10 मिनट रोज़ा खुलने में, बस 10 मिनट रह चुके हैं। रश बहुत है हर जगह, तभी वीडियो सही से बन नहीं पा रही, तो इफ्तारी में लेके आ गया हूँ। तो अभी जैसे ही रोज़ा खुलता है दिखाते हैं इफ्तारी में मैं क्या क्या लाया हूँ। सो इफ्तारी में हमारे पास है फ्रूट चाट, पेटिस, कचौरी, समोसे, पकोड़े, बिरयानी और खज्जी तो होती है। सो भाई रोज़ा भी खोल लिया और नमाज़ भी पढ़ ली। सो अभी बन रही है चाय और चाय पीते हैं। अभी इशा की नमाज़ में 1 घंटा रह गया, अभी बज रहे हैं 7:15 और इशा की नमाज़ है 8:15। सो चाय भी हमारी आ चुकी है, सो पीते हैं चाय। जो भी चाय लवर हैं इफ्तारी के बाद उनको भी चाहिए होती है फ़ौरन चाय, और मैं भी एक चाय लवर हूँ, अगर आप लोग भी हो तो कमेंट में बताएं। तो पीते हैं चाय और फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने। सो भाई लोग मैं अभी जा रहा हूँ तरावी पढ़ने,
मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मैं तभी चार्ज पे लगा के जा रहा हूँ तरावी पढ़ने। तो अब आप लोगों से मिलते हैं तरावी के बाद। सो भाई तरावी में पढ़ के आ चुका हूँ, सो इधर ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो आई होप आप लोग इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।